टीवी सीरियल अदाकारा देवोलीना भट्टाचार्य जी बिग बॉस एक्स कंटेस्टेंट रही हैं। अदाकारा ने बिग बॉस 13 में हिस्सा लिया था, जिसके बाद से ही अदाकारा बिग बॉस की जबरदस्त फॉलोअर रही हैं। वो हर सीजन बिग बॉस का शो ध्यान से देखती हैं, जिसके बाद वो अपनी राय सोशल मीडिया पर भी रखने से पीछे नहीं हटती हैं। इन दिनों बिग बॉस 17 में अभिषेक कुमार का थप्पड़ कांड काफी चर्चा में बना हुआ है। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड ईशा मालवीय के साथ लड़ाई के दौरान उनके बॉयफ्रेंड समर जुरैल को चाटा रसीद कर देने के बाद अभिषेक कुमार पर एलिमिनेशन की तलवार लटकी हुई है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग दो गुटों में बट गए हैं। एक वो लोग हैं जो अभिषेक कुमार से सांत्वना जताते हुए उन्हें लगातार पोक किए जाने की वजह से समर जुरैल और ईशा मालवीय के खिलाफ हैं, तो वहीं कुछ लोग अभिषेक कुमार को एलिमिनेट करने की मांग कर रहे हैं। अब इस मुद्दे पर अदाकारा देवोलीना भट्टाचार्य ने भी अपनी राय एंटरटेनमेंट न्यूज की दुनिया में रखी है। अदाकारा देवोलीना भट्टाचार्य ने हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर अपना ट्वीट शेयर करके लिखा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभिषेक के एक्शंस को कितना जस्टिफाई करते हैं, लेकिन वो गलत था और अब भी गलत है। प्रोवोक करना गेम का हिस्सा है, लेकिन चाटा मार देना किसी को घर में बिल्कुल ही नियमों का उल्लंघन है, और मुझे लगता है कि इसे अभिषेक कुमार से बेहतर कौन समझ सकता है। तहलका का एविक्शन हमें नहीं भूलना चाहिए, और खानजादी की मेंटल स्थिति का क्या? मुझे यकीन है इससे अभिषेक कुमार को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए करमा। बता दें कि इससे पहले अभिषेक कुमार की वजह से तहलका का एविक्शन हुआ था। एक लड़ाई के दौरान तहलका उर्फ सनी आर्या ने अभिषेक कुमार का कॉलर पकड़ लिया था, जिसके बाद अभिषेक कुमार ने इस बात को मुद्दा बनाया और उन्हें मेकर्स ने घर से बेघर कर दिया था। इसके अलावा खानजादी की मेंटल हेल्थ का भी अभिषेक कुमार ने कई बार मजाक उड़ाया था, जिसके बाद वो घर से बेघर होने के लिए खुद मेकर्स और फैन से कई बार मांग कर चुकी थी। इस स्टोरी पर आपका क्या कहना है कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।